other cleanse myself of this. Yesterday, I have told you about the property. They are given at page 50. Now, today, I tell you some property, property number 5, property number 6, property number 7, property number 8. They are given at page 41. Dear student, you may see at page 41, they are remaining properties for this. Properties number 5. Just to see the statement. Statement of the difference of the squares of two consecutive natural numbers is equal to the sum of square of the numbers. देखो बेटा इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आपका स्टेटमेंट आप यू में राइट द स्टेटमेंट फ्रॉम योर बुक दैट गिवन एट पेज 41, आई एक्सप्लेन दैट, प्लीज पे अटेंशन ऑन, टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, डियर स्टूडेंट आप जानते हो आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1, तो डियर स्टूडेंट यू नो 2 से बन गया एक, तो ये रहा 2 प्लस 1, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, बस हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दैट इक्वल 3 प्लस 2 और अगर आप 3 माइनस 2 सो दैट इज आल्सो इक्वल 3 प्लस 2 बिकॉज इट्स वैल्यू इज 1 नंबर 1 इज मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट वी विल गेट द सेम ब्रैकेट एंड 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल 4 प्लस 3 और इनटू 4 माइनस 3 इज इक्वल 4 प्लस 3 तो कहने का मतलब ये है कि आप सम ऑफ नंबर कर दो आंसर मिल जाएगा 2 प्लस 1 यहाँ पे 3 और 2 है ना तो 3 प्लस 2 यहाँ पे तो व्हाट इज द स्टेटमेंट इन जनरल द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर यू कैन से इंटीजर्स इज इक्वल टू sum of them is equal to sum of them. So that is the property number 5. In general we can say n plus 1 whole square minus n square is equal to m. इसी तरह से n plus 1 plus m. So difference of स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देम उनका सम कर दो आंसर दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 6 क्लियर नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5 नाउ वी गो ऑन प्रॉपर्टी नंबर 6 अबाउट 6 सी द स्टेटमेंट व्हाट इज सी 6 Three natural numbers A, B, C are called the Pythagorean triplet if A square plus B square is equal to C square and for any natural number n is greater than 1 2 n comma n square minus 1 comma n square plus 1 is a Pythagorean triplet So there will be three numbers just to take three numbers A comma B comma C. Write the statement of the property number 6 by the book. I explain that here. Now please, attention, take three numbers A, B, C. If they form the Pythagorean triplets, then condition is that A square plus B square is equal C square. अगर तीन नंबर पैथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं
तो कंडीशन होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। और मैं इसके लिए और कहा गया है फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन ग्रेटर देन वन देन सीक्वेंस ऑफ नंबर टू एन कॉमा एन स्क्वायर माइनस वन एंड एन स्क्वायर प्लस वन फॉर एन पाइथागोरियन फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन वन फॉर एवरी एनी नेचुरल नंबर एन इज ग्रेटर देन वन देन टू एन कॉमा एन स्क्वायर माइनस वन एन स्क्वायर प्लस वन फॉर यहां पर एन क्या है रियल एन वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। क्लियर? थ्री नेचुरल नंबर ए बी सी फॉर्म द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इफ ए स्क्वायर तो दीज आर द कंडीशन टू फॉर्म द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो इट इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी नंबर सिक्स। नाउ वी गो ऑन प्रॉपर्टी नंबर सेवन। जस्ट यू सी द प्रॉपर्टी नंबर सेवन। जस्ट प्लीज सी द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी नंबर सेवन इन योर बुक प्रिस्क्राइब्ड बाय योर स्कूल एस पी पी एस बिदोना। तो सेवन स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अदर देन द नेचुरल नंबर वन either divisible by 3 or leaves a remainder 1 when it is divided by 3. Dear student, square of any natural number, write down please, square of any natural number other than 1 is either divisible by 3 or leaves remainder 1 when it is divided by 3. 1 को छोड़ कर स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर हमने 2 से स्टार्ट कर रहे हैं 1 को छोड़ा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे 3 से डिवाइड करो इस नंबर को तो एक बार जाएगा 1 रिमाइंडर 3 का स्क्वायर करो 9 होगा डिवाइड करो 3 से तो 3 3 का रिमाइंडर यहां 0 आएगा और जरा 4 का स्क्वायर करो दैट 16 होगा। द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर अदर देन 1 व्हेन आइदर व्हेन डिविजिबल बाय 3 आइदर दैट डिविजिबल बाय 3 आर लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन आवर डिवाइड्स बाय 3 तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 1 ऐसे जरा 5 का स्क्वायर करो कितना होगा 25 25 को 3 से डिवाइड करो 3 8 है 24 8 प्लस 1 इतना हो गया। तो ये रूल क्या था स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एनी नेचुरल नंबर अदर देन वन दैट आइदर डिविजिबल बाय 3 ये डिविजिबल बाय 3 हो गया आर लीव्स रिमाइंडर 1 या तो डिविजिबल बाय 3 होगा या लीव्स रिमाइंडर 1 तो दैट आल अबाउट द प्रॉपर्टी नंबर 7। नाउ वी गो प्रॉपर्टी नंबर 8। ऑल दीज आर गिवन एट पेज 41 इन योर बुक of class 8 prescribed by SPPS Biduna. So now just you see property number 8. Property number 8 statement of it also you may write with the help of book
So now I read it. After that I explain. The square of a natural number other than 1 is either divided by 4 or least remainder 1, when it is divided by 4. That property number 8 is very similar to the property number 7. The square of any natural number other than 1 either divisible by 4 or least remainder 1 whenever it is divided by 4. तो 1 को छोड़ के ये ले लो, जरा 2 ले लो, 2 का स्क्वायर करो और 4 को 4 से डिवाइड करो, एक बार आएगा रिमाइंडर 0. मीनिंग सब आई टू इज द डिविजन बाय 4. 3 ले लो नेचुरल नंबर, स्क्वायर करो 9 हो गया, 4 से डिवाइड करो, दो बार गया 4 गया 1 मिनट एंड 4 का स्क्वायर 16, 4 से डिवाइड करो 4 इंटू 4, रिमाइंडर आपका 0 है. इन दिस वे वी गो ऑन नेक्स्ट. तो इट इज द प्रॉपर्टी नंबर 4. स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर अदर देन 1 दैट आइदर डिविजिबल बाय 4 और लीव्स रिमाइंडर 4 व्हेन इट इज व्हेन एवर इट इज डिवाइड बाय 4. दैट्स ऑल इट इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी नंबर 8.